तो पहले हम फफूंदी नाशक से करते हैं, उसके बाद कीटनाशक से करते हैं, इसके बाद तब राइजोबियम से करते हैं। राइजोबियम से करके हम जो आधे घंटे के बाद हम खेत में हम सीड को लगा देते हैं, और 2 से 3 घंटे पहले हम पहले फफूंदी नाशक से करते हैं, उसके बाद कीटनाशक से करते हैं। ये किसान भाई ये FIR जरूर याद रखेंगे, क्योंकि FIR अगर याद रखते हैं तो हमारे किसान भाई जो कीट लगते हैं वो करीब शुरुआती 20 से 25 दिन का जो शुरुआती रहता है वो हमारा बच जाता है। जैसे छोटे किसान हैं वो तो छोटा छोटा पैच उनका रहता है, छोटा छोटा लैंड रहता है, छोटा छोटा ज़मीन रहता है, वो ज़मीन वो अपना गर्मा जुताई अगर कर लेंगे, गर्मा जुताई कर ले चाहे ग्रीन हाउस बना लें, ग्रीन हाउस ऑलरेडी सरकार की तरफ से अनुदान में मिलता है प्रत्येक साल, वहाँ से ले लें। इसके बाद हम जो है खेत में जो बीज डालते हैं वो उचित मात्रा में डालें, बीज जो है ज़्यादा मात्रा में नहीं डालें। जैसे उचित मात्रा में जैसे धान का है 60 kg डालने का बीज नर्सरी में, तो हम 60 kg ही डालें। ऐसा नहीं कि बीज हम 80 kg 90 kg जो है जो हम डाल दें तो वो एरिया जो है आपका एरिया में उतना ही बीज डालें। अगर घना हो जाएगा तो हमारा होता क्या है कि जब घना होगा तो कीड़ों का प्रकोप ज़्यादा हो जाएगा, उसमें हवा बिहार नहीं जाएगा। लाइन से लाइन लगाएं, अगर लाइन से लाइन लगाते हैं तो उसके अंदर धूप की रोशनी उसके जड़ तक जाएगी, पौधे जो है हवा का संचार पौधे से इस छोर से उस छोर तक हो जाएगा, जिससे हमारा कीट व्याधि जो है अंदर नहीं जाएगा। सब्जियों की खेती में तो कीट प्रबंधन बहुत आसान है, क्योंकि वो छोटा छोटा पैच में होता है, छोटा छोटा पैच में होता है, उसका प्रबंधन हम नीम से जो दवा बनाया जाता है या हमारा मिर्ची से बनता है, लहसुन से बनता है, गाय के गोबर से बनता है, ये सब जो दवा है ये सब दवा हम 8 दिन 10 दिन के अंतराल पे अगर हम देते जाते हैं तो हमारा एक तो उसमें पौधे में हरापन आता है, साथ ही साथ उस फसल में उपज भी ज़्यादा होता है और कीट का प्रकोप कम होता है। ये तो रहा आपका छोटे पैच में जो छोटे किसान हैं, लेकिन बड़े किसान जो हैं वो कैसे करेंगे? बड़े किसानों के लिए जैसे है कि बीज की मात्रा सही नहीं डालते हैं, खाद की मात्रा अनाप शनाप डाल देते हैं, तो खाद की मात्रा उचित मात्रा में डालें, पोटास नहीं डालते हैं। सबसे बड़ी है कि पोटास जो है जो हमारे फसल को कड़ा बनाता है, कड़ा अगर बना देगा तो हमारा जो कीट जो है उसको खुरेच नहीं सकता है, खुरेचने में उसके तना को खुरेचने में उसको प्रॉब्लम होता है तो खरोच नहीं पाता है और हमारा पौधा जो रहता है स्वस्थ रहता है। और खेत में जब भी हम लगाते हैं, जैसे बड़ा बड़ा खेत है तो बड़े बड़े खेत में हम कुछ झांखी लगा दें, कुछ लकड़ी का ऐसे टी आकार का लगा दें जिससे पक्षी उस पर आकर बैठे, पक्षी आकर बैठेगी तो वो कीड़ा को खाएगी। तो इन सब बातों को अगर हम सही से करें तो हमारा उचित प्रबंधन हो सकता है।